नियमानुसार पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री राज पुरोहित जी की धर्म पत्नी के हाथों से ही निकलवानी होगी। जी छोटी बहू, ये सूची ले लो और सारी सामग्री निकलवा दो। और हाँ, तुम्हें खलबत्ते में तिल भी कूटना है, बहुत सारा काम है बेटा। मम्मी जी, मम्मी जी, कहना तो नहीं चाहिए पर चुप भी तो नहीं रह सकती। आखिर इस घर की बड़ी बहू हूं मैं। मम्मी जी, आपने छोटी बहू को चाबियां तो सौंप दी, जिम्मेदारी तो डाल दी, लेकिन मन को डर लग रहा है कि क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगी। बहू होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती सबके खाने का ख्याल रखना, और आज जो खाने के वक्त हुआ वो तो आपने देखा ही। बिटिया, सारे दाने ऐसे खा लेगी तो सब्जी में डालने के लिए तो एक भी दाना नहीं बचेगा। खान देना उको, जी कर रहा होगा। कोई है का? राधे राधे। राधे राधे। सदा सुखी रहो बिटिया। आओ जमना, आओ बैठो, बहुत दिनों बाद आई, आओ बैठो। आप भी बैठिए जीजी। आज यहाँ का रास्ता कैसन भूल गई? क्या करें जीजी, आप इतने दिनों से सत्संग में आई नहीं, हमने सोचा हम ही चल के पूछ लेते हैं हाल चाल। सब कुशल मंगल? सब भलो है। चाखा बिटिया, काकी के लिए पानी लेकर आओ। जी माँ। काकी को जलपान लेंगी या मछली खिला दे बेटा अपने हाथ की बनी हुई? जमना, बंसी कैसा है? बंसी तो ठीक है जीजी, पर विशाखा को क्या हुआ है? विशाखा को क्या हुआ है? क्या हो बेगो? बिटिया देखना, वो बहुरिया को शायद मठरी ना मिल रही, जा जाके देख। वो का है ना, जब से उनकी बहन ब्याह के गई है ना, तब से विशाखा बहुत उदास रहता है। तो इसके बारे में क्या सोचा है? अरे इसके ब्याह के बारे में? अरे ऐसा कैसे देख रहे हैं सब? जवान जहान छोरी को घर में बिठा के रखोगे का? पर लड़का है, एक लड़का हमरी नजर में। अरे वो शर्मा जी का बड़ा छोरा, सरकारी पाठशाला में गणित पढ़ाता है, नवीं और दसवीं जमात को। शादीशुदा है ना वो? अरे कहाँ जीजी, कहाँ शादीशुदा है? पिछले ही साल तो उसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई। अरे उम्र भी ज्यादा ना है, एक 4-5 साल का बच्चा है। दुहाजू के साथ अपनी बेटी? आप पत्री मंगवाइए ना, बात आगे चलाकर देखते हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी है। We'll be right back.
ऐसन बाल बच्चे वाले दुहाजू से हमको हमारी पोती की शादी ना करनी है। अब ऐसे भी नखरे ना करिए जीजी। अरे विशाखा का ये कौन सा पहला ब्याह कहलाएगा? उस मास्टर की पत्नी तो चल बसी थी और इसके तो पति ने इसे छोड़ा है। हमने तो अपना समझ के कह दिया था, अब तुम जाओ। आप गुस्सा मत होइए काकी, विशाखा के बाबूजी आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी ना। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इतनी तकलीफ होने के बावजूद भी छोटी बहू अपने दायित्व कितनी अच्छी तरह निभा रही है। मैंने कहा था ना वैशाली, तुम इसे चाबियां सौंप कर गलत नहीं कर रही हो। राधिका अपने कर्तव्य तो तब निभाएगी ना जब मैं उसे निभाने दूंगी। छोटी बहू, सब सामान आ गया बेटा? जी दादी माँ। अच्छा सुनो, इसमें थोड़ा गुड़ डाल दो तो आसानी से कूट जाएगा। जी। और बेटा मुझे तिजोरी की चाबियां दे दो, वो दान के लिए जो पैसे हैं मैं वो ले आती हूँ, तुम गुड़ ले आओ। चलो वैशाली। छोटी बहू लो, हो गई तैयारी। अगर इसमें पानी डाल दिया जाए तो छोटी बहू के सारे किए कराए पर पानी फिर जाए। गुड आइडिया। दीदी राधिका, मैं तो तुम्हारी मदद कर रही थी। नहीं दीदी, इसमें पानी नहीं डलता, आपने पहले कभी किया नहीं ना, इसीलिए आपको पता नहीं। मैं तो वाकई तुम्हारी मदद ही कर रही थी राधिका। दीदी मुझे पता है आप मेरी मदद करना चाहती हैं। देखा है ना मैंने रसोई में जब मैं खाना पका रही थी, आपने मेरी बहुत मदद की है दीदी। ये सब काम इस घर की छोटी बहू को करने हैं ना, और वो भी बिना किसी की मदद के। आप परेशान मत होइए, मैं अपने आप कर लूंगी। आप जाइए ना, आराम कीजिए। विशाखा, ये क्या तरीका है, ऐसे बात की जाती है अतिथियों के साथ? और वो जो यहाँ करने आई थी उसका क्या, आपने उन्हें तो कुछ कहा नहीं? क्या कहती मैं उनसे? हाँ, अब तक जो तूने हरकतें की है ना, उसके बाद तो तेरे पास ऐसे ही रिश्ते आएंगे। वाह, इस लड़के के तो दो हाथ भी हैं, दो पैर भी हैं, दो आंखें भी हैं और सर पर थोड़े बहुत बाल भी हैं, इसलिए आप चाहती हैं कि मैं उस लड़के से शादी करूं। पर मेरी एक बात ध्यान से समझ लीजिए आप, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। तो क्या करेगी तू, उम्र भर कुंवारी बैठी रहेगी, अपने पिता को और दुख देगी? और तूने सोचा है कि अपने आगे आने वाले जीवन के साथ तू क्या करने वाली है? हाँ सोचा है, अच्छी तरीके से सोचा है,
कि मुझे मेरी जिंदगी के साथ क्या करना है और उसे किस दिशा की ओर ले जाना है। आपको इन सब चीजों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुझे जो करना है तू वो कर, और एक माँ होने के नाते मुझे जो करना चाहिए वो मैं करूंगी। आप मुझसे गुस्सा है? आपको गुस्सा होने का पूरा हक है, लेकिन आप ही बताइए ना मैं क्या करूं। दादी माँ ने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारियां सौंपी है, मैं उनका विश्वास कैसे तोड़ सकती हूँ? छोटी बहू होने के सब कर्तव्य निभाने होंगे। और मेरी पत्नी होने का कर्तव्य? मैं जानती हूँ आपके प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है, मगर शादी का बंधन एक लड़की को उसके पति से ही नहीं बल्कि उसके परिवार से भी जोड़ देता है। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। क्या आप अपनी पत्नी से ये उम्मीद करेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए? इस घर की छोटी बहू से ये उम्मीद करेंगे कि वो पुरोहित परंपरा का सम्मान ना करे? नहीं राधिका। तो फिर मुझे अपने कर्तव्य तो निभाने ही पड़ेंगे ना, वो नई नई जिम्मेदारियां है ना, इसीलिए थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त देने की। मैं अपना हर एक पल तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं राधिका। मुझे तुम बहुत मुश्किलों से ही मिली हो। अब ये साथ कभी नहीं छूटेगा। मैं जानता हूं राधिका, मेरी सांसें, मेरे जीवन की हर डोर तुमसे बंधी हुई है। मैं दूर जा रहा हूं ना, तो मुझे अपने प्यार की एक ऐसी निशानी दो जो हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरे सांसों से जुड़ी हुई रहे। भैया कहाँ रह गए? अरे भैया और सब इंतजार कर रहे हैं आपका। आप भी आ जाइए नीचे, पूजा के लिए जाने का मुहूर्त हो गया है। जी जल्दी आ जाइए। बहुत महत्वपूर्ण पूजा करने जा रहा है बेटा, रात भर जगना पड़ेगा, ध्यान से पाठ करना। बहू देव की आरती करो। जीता रहे। आपसे आवश्यक बात करनी थी जी। निसंकोच कहिए देवकी जी। आज जमुना काकी आई थी जी, वो विशाखा के लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। तो निश्चित कर दीजिए विवाह, जितने शीघ्र वो इस घर से जाए उतना ही उत्तम। लल्ला कैसन रिश्ता आयो है, पहले सुन तो ले। दुहा
बाजू है वो लड़का। 35 से एक दिन कम ना होगा, 4 साल का तो बेटा है उका। इससे उत्तम संबंध की आशा है आपको? कौन करना चाहेगा अपने बेटे का विवाह ऐसी कन्या से जो अपने पति का घर छोड़कर भाग गई थी? समूचे संसार को ज्ञात है उसका संपूर्ण अतीत। इसके पश्चात भी यदि कोई उसका हाथ मांगता है तो इसे तो विशाखा का भाग्य समझिए। हम यदि आपको उचित लगे तो बात आगे बढ़ाइए देवकी जी। दीजिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। रहने दो, तुम वैसे भी शाम की आरती के लिए जा रही थी ना, जाओ। इसे मैं साफ करवा दूँ। पर मैं करवा दूंगी साफ, राधिका जाओ। संभाल के, तेल गिरा हुआ है ना।
स्पेशली